मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं विजयदशमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है और जिस समाज में नारी की पूजा होती है तथा सम्मान दिया जाता है वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गौरक्षा पीठाधीश्वर शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी वर्ष में दो बार शारदीय और वासंतिक नवरात्र में जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा व अनुष्ठान के कार्यक्रम से श्रद्धा उल्लास व उमंग से जुड़ते हैं। सनातन धर्म की पर्व और त्यौहार से जुड़ी समृद्ध परंपरा सबका ध्यान आकर्षित करती है। आज शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के पूजन के साथ कन्या पूजन का अनुष्ठान हो रहा है। वह सौभाग्यशाली है कि गौरक्षा पीठ की पवित्र परंपरा के अनुसार उन्हें भी कन्या पूजन का अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है। गोरक्षपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन नौ स्वरूपों स्वरूप कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है यह पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है उसका सम्मान होता है वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है।